हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस के बारे में। इसमें बेसिकली सैटेलाइट का यूज़ करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, और ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली टोंगा में और यूक्रेन में जो क्राइसिस हुई हैं, जैसे टोंगा में सुनामी आई थी और यूक्रेन में हम जान रहे हैं वॉर चल रही है, उससे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्ट हुए हैं। और उसके बाद एलन मस्क ने शॉर्ट नोटिस पे कम्युनिकेशन सर्विसेज को रिस्टोर करने के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करने का ऑफ़र दिया था। अब इसका रेलिवेंस क्या है यूपीएससी में? सो हमने देखा है प्रीवियस ईयर में जो प्रीलिम्स है उसमें प्रोजेक्ट लून, लाइफ आई, LTE वर्सेस वॉइस ओवर LTE और नियर फील्ड कम्युनिकेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सारे प्रोजेक्ट भी ICT रिलेटेड टेक्नोलॉजी से ही थे और न्यूज़ में थे। अब प्री के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थीम है जिसमें GS पेपर 3 या SA से क्वेश्चन आ सकता है। और थीम अगर देखें तो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी वर्सेस सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ नेशंस, उसके अलावा रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी एज ए फोर्स फॉर ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन, इन थीम को आप इससे कवर कर सकते हैं। इस फील्ड में अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट देखें तो स्टारलिंक है SpaceX का, जो एलन मस्क की कंपनी है। फिर प्रोजेक्ट क्यूपियर है अमेजन की, और 5 to 50 सर्विस है OneWeb कंपनी की। अब अगर मैकेनिज्म पे आएँ कि ब्रॉडबैंड सर्विस के, तो हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल जो तरीका है इंटरनेट एक्सेस करने का, वो या तो फाइबर ऑप्टिक केबल से है या वायरलेस नेटवर्क से हम करते हैं, ठीक है। बट इन दोनों की ये प्रॉब्लम है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में रिमोट एरिया और डिफिकल्ट टेरेन, जैसे कि अगर माउंटेनियस रीजन है तो फाइबर ऑप्टिकल बिछाना और वायरलेस नेटवर्क जो मोबाइल टावर्स इंस्टॉल करना, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इस ऑब्स्टिकल को हम सेटेलाइट के यूज से ओवरकम कर सकते हैं। सेटेलाइट कम्युनिकेशन का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो हम अपने होम बेस जो TV डिश सेटेलाइट है उसके थ्रू समझ सकते हैं। ये आपका जो होम है, ठीक है, इस पे हमारा डिश एंटीना लगा होता है TV वाला, और वो सेटेलाइट से कम्युनिकेट करता है। वैसे ही ब्रॉडबैंड वाला भी कम्युनिकेट करेगा। मान लीजिए ये आपका घर है और यहाँ पे आपने सेटेलाइट टर्मिनल जो है उसको इंस्टॉल किया हुआ है। सेटेलाइट टर्मिनल बेसिक वही डिश एंटीना जो होता है वैसा ही होता है। और अब आपने किसी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसी लिंक को क्लिक किया, तो जो आपका टर्मिनल है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो फॉरवर्ड करेगा सेटेलाइट को, ठीक है, और फिर उसको अपलिंक बोलेंगे। और फिर सेटेलाइट जो है उसका ट्रांसपोंडर जो है उसको रिसीव करेगा, और वो जो है जो स्टार लिंक के ग्राउंड स्टेशन है, ठीक है, उसको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा। और फिर वो जो स्टार लिंक का ग्राउंड स्टेशन होगा वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। इंटरनेट बेसिकली आप जानते हैं कि जो पूरा ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है केबल और डाटा सेंटर्स का, वही पूरा मिलकर इंटरनेट बनता है। तो ये जो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन फिर ग्राउंड स्टेशन को मिलेगी, और ग्राउंड स्टेशन वापस उसको सेटेलाइट को भेजेगा, और सेटेलाइट से वापस आप उसको अपने घर पे, मतलब अपने सिस्टम पे पा जाएंगे, उसको डाउनलिंक बोलते हैं। पहले ये जो हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ग्राउंड स्टेशन वाला और सेटेलाइट, इसकी जगह ही हम एलोबरेट लेवल पे ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाते थे या मोबाइल टावर इंस्टॉल करते थे पूरे एरिया को कवर करने के लिए। बट अब उसकी जगह पे आप सेटेलाइट और ये सेटेलाइट ग्राउंड स्टेशन जो है इसके मदद से बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं बिना जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो केबल और मोबाइल नेटवर्क वाला टावर वाला है उसके बिना भी। सो ऐसा नहीं है कि जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन है वो हम पहली बार यूज़ करने जा रहे हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। बट अभी तक जो हम सेटेलाइट सिस्टम यूज़ करते थे उसमें सेटेलाइट जो होती थी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हुआ करती थी। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है हमारा अर्थ के सरफेस से 35,786 किलोमीटर की हाइट पे है, ठीक है, और वो डायरेक्टली अब इक्वेटर है, ठीक है। अब वो जो सेटेलाइट उस ऑर्बिट में 11,000 किलोमीटर पर आवर से मूव करती है, और वो सेटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है उतने ही टाइम में जितने की टाइम में अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। सो अगर आप ग्राउंड पे हैं, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं सेटेलाइट को, तो वो आपको हमेशा लगेगा कि उसी पोजीशन में है, स्टेशनरी है। अगर इसको हम बेसिक एनिमेशन से देखना चाहें तो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और ये हमारी सेटेलाइट है। सेटेलाइट जो है वो उसका जो लाइन ऑफ साइट है वो इतना एरिया अर्थ का कवर कर रही है, वैसे ही दूसरी सेटेलाइट है वो इतना लाइन ऑफ साइट का एरिया कवर कर रही है अर्थ के, ठीक है। सो अब आप यहाँ खड़े हो, ये आपको सेटेलाइट आपके ऊपर आपको दिख रही है, ठीक है। सो अब इसको अगर हम देखें तो
ये अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है, और सैटेलाइट भी है वो भी इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो वैसे वैसे सैटेलाइट भी मूव कर रही है, ठीक है, इसलिए आपको हमेशा लगेगा कि सैटेलाइट आपके ओवरहेड है और रुकी हुई है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो एक मेजर एडवांटेज है, क्योंकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 35,000 किलोमीटर के ऊपर है, और हम जानते हैं कि आप जैसे जैसे जितनी हाइट पर जाओगे आप उतने लंबे एरिया तक आपकी लाइन ऑफ साइट बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम टावर को भी देखते हैं कि लंबी हाइट पे हमारे एंटीना जो है इन्वॉल्व एंटीना जो होते हैं इंस्टॉल होते हैं। सो वैसे ही ये आपका सेटेलाइट पे अगर आप खड़े हो तो आप अर्थ के इतने एरिया को देख सकते हो, ठीक है, या अर्थ का इतने एरिया जो है वो सेटेलाइट को देख सकता है लाइन ऑफ साइट जो है। वैसे ही दूसरी सेटेलाइट, तीसरी सेटेलाइट, तो जियो इस जो हाइट होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की, उस हाइट पे अगर हम 3 से 4 सेटेलाइट अगर इंस्टॉल कर दें तो पूरे अर्थ के एरिया जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं। तो हमने अब एडवांटेज देख लिया है, बट उस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सेटेलाइट है उसका एक मेजर डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से हम उसको इंटरनेट एक्सेस के लिए नहीं यूज़ कर सकते, बहुत रिलायबली नहीं यूज़ कर सकते। सो वो मेजर डिसएडवांटेज है हाई लेटेंसी का, ठीक है। सो उसमें बेसिकली लेटेंसी मतलब टाइम लैग होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है, उसमें 600 मिली सेकेंड का जो डिले होता है उस इन्फॉर्मेशन एक्सेस में। सो अगर हमें कोई ऐसा, जैसे हम गेम खेल रहे हैं या फिर जो आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, सो ऐसे जगह पे जहाँ पे हमें रियल टाइम में इंफॉर्मेशन चाहिए, वहाँ के लिए सेटेलाइट कम्युनिकेशन जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सेटेलाइट होते थे वो बहुत रिलायबल नहीं होते थे। इस प्रॉब्लम को जो स्टार लिंक सेटेलाइट्स का जो कॉन्स्टलेशन है, जो स्पेस एक्स का मिशन है, वो ओवरकम कर रहा है बाई प्लेसिंग द सेटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो अब हम जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ना डाल के सेटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में डालेंगे, उसकी हाइट जो होगी 200 से 2,000 किलोमीटर तक होती है अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो जब सेटेलाइट को लोअर ऑर्बिट में डालेंगे तो जो आपका लैग है वो 20 to 30 मिलीसेकंड का हो जाता है, और इसकी जो स्पीड होती है रफली उतनी होती है जितनी कि टेरेस्ट्रियल सिस्टम का, जो हम अभी मोबाइल नेटवर्क और ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जो टाइम लैग है उसके बराबर ही है। सो और क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये जो थी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ठीक है, इसकी हाइट जो है अर्थ से 35,000 किलोमीटर तक की है, उसके अलावा अर्थ से 200 से 2,000 किलोमीटर तक की हाइट पे लो अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। सो जो पहले हम सेटेलाइट डालते थे वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डालते थे, ठीक है, और अब जो डाल रहे हैं स्टारलिंक जो डाल रही है वो 200 से 2,000 किलोमीटर के बीच में सेटेलाइट डालेगी। सो अब जो टाइम लैग की प्रॉब्लम बता रहे थे, हमें पता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जो सेटेलाइट से जो अपलिंक और डाउनलिंक की जो मूवमेंट है वो लाइट की स्पीड से हो रही है। सो अब अगर आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो अर्थ से तो वो इन्फॉर्मेशन जाएगी 35,000 किलोमीटर ट्रैवल करेगी और फिर वहाँ से सेटेलाइट से वापस आएगी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेके। सो इस पूरे टाइम में हमारा डिले आता था। सो अब जो है अर्थ को लो अर्थ ऑर्बिट में जब आप सेटेलाइट डालोगे तो वो कम टाइम आए कम टाइम लगता है, इस वजह से जो हमारा स्पीड है इंटरनेट की वो बढ़ जा रही है, टाइम लैग कम हो जा रहा है, लेटेंसी कम हो रही है लो अर्थ ऑर्बिट में सेटेलाइट डालने की वजह से। सो स्पेस एक्स का प्लान है टोटल 42,000 सेटेलाइट को उसको डालना है। अब ये हम पहले भी देखे थे कि जो हमारा जो बेसिक एडवांटेज था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का, उसमें था कि 3 से 4 सेटेलाइट जो है वो पूरे अर्थ को कवर कर ले रही थी, बट लो अर्थ ऑर्बिट का ये एक मेजर ड्रॉबैक है कि इसके लिए हमें जो सेटेलाइट की कम्युनिकेशन लिंक ब्रेक ना हो, इसके लिए हमें बहुत सारी सेटेलाइट 42,000 सेटेलाइट के अराउंड स्टारलिंक स्पेस एक्स को डालना पड़ रहा है। सो यही जो लो अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट्स वाला जो सिस्टम है कॉन्स्टलेशन है उसकी ये मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि लोअर हाइट पे है वो 200 से 2,000 किलोमीटर की हाइट पे है, तो उसका जो लाइन ऑफ साइट है वो डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से हमें ज़्यादा सेटेलाइट यूज़ करनी पड़ रही है कि हम पूरे अर्थ को कवर कर सकें। सो इसका जो मेन एडवांटेज है वो हम पहले भी देख चुके हैं, लो लेटेंसी मतलब कि जो हमारा इंटरनेट की स्पीड है, डाटा रेट ट्रांसमिशन है वो बहुत ही हाई स्पीड पे हो रहा है, क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, और इसका एक मेन रीज़न है कि सेटेलाइट जो है वो आपस में भी कम्युनिकेट कर रही हैं इंटर सेटेलाइट लेज़र लिंक के थ्रू, ठीक है, लेज़र के थ्रू। सो इससे हमारा जो लोकल डाउनलिंक रिक्वायरमेंट है उसकी भी वो भी कम पड़ जाता है, और हम बड़े एरिया पे इंटरनेट सर्विस जो है प्रोवाइड कर दे रहे हैं थ्रू सेटेलाइट आपस में कम्युनिकेट करके। और दूसरा एडवांटेज है इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेटाइजेशन,
इसमें क्या है, जो अथॉरिटेरियन कंट्री है उसके जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, टावर होता है या जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है, उसको आप डिसरप्ट कर सकते हो, ठीक है। बट जो आपका सेटेलाइट कम्युनिकेशन वाला लिंक होगा उसको डिसरप्ट करना मुश्किल रहेगा। सो इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेटाइजेशन भी ये प्रोवाइड कर रहा है। इसको अगर इजी लैंग्वेज में समझना हो तो हम देख सकते हैं डायग्राम से। सो मान लीजिए आप इंडिया में हैं, ठीक है, ये आपका घर है और यहीं पे हमने सेटेलाइट का जो गेटवे है, स्टार लिंक का गेटवे है, ग्राउंड स्टेशन, उसको इंस्टॉल किया हुआ है। अब जैसे आप इंफॉर्मेशन अगर आपने किसी लिंक पे क्लिक किया तो वो इंफॉर्मेशन जाएगी सेटेलाइट पे, वो जाएगी वापस ग्राउंड स्टेशन पे, ग्राउंड स्टेशन फिर से इंटरनेट मतलब कि डेटा सेंटर या सर्वर जहाँ भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वहाँ से उसको लेके आएगा। अब मान लीजिए वो चीज़ जो है US में डाटा सेंटर ये आपका पूरा इस्टेब्लिश है, ठीक है, जहाँ से इंफॉर्मेशन आनी है, तो जो ग्राउंड स्टेशन होता है, जब इंफॉर्मेशन आप किसी लिंक पे क्लिक किए वो ग्राउंड स्टेशन पे आया इंफॉर्मेशन लेने के लिए, फिर वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू, जो हम जानते हैं कि सी केबल जो है, अंडर सी केबल, वो इंटरनेट को कम्युनिकेट करता है, फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर आप तक आती है, ठीक है। सो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि सेटेलाइट में ही आपस में लिंक हो जाएगी, ठीक है, सेटेलाइट आपस में लिंक हो जा रही है, सेटेलाइट आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। सो हमारी जो इंफॉर्मेशन है इंडिया से सेटेलाइट पे गई, ठीक है, वहाँ से वो दूसरी सेटेलाइट से गई, फिर ऐसी तीसरी सेटेलाइट से गई, फिर US पहुँची, ठीक है, फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन लिया, फिर कम्युनिकेट करके इस सेटेलाइट पे आई, इस सेटेलाइट पे आई, वापस हमें इंफॉर्मेशन दे गई। सो इस लेजर लिंक से क्या हो रहा है कि जो सेटेलाइट, जो हमारी इंफॉर्मेशन, जो डाटा रेट है, डाटा ट्रांसमिशन जो हो रहा है, वो सेटेलाइट की स्पीड पे हो रहा है। और हमें पता है जो लाइट की स्पीड होती है वो आपकी स्पेस में ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो हमारा डाटा ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रहा है। सो अब हम लो लेटेंसी समझ चुके हैं। तो इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइजेशन कैसे हो रहा है, इसको समझने के लिए हम यूक्रेन का एग्जांपल देख सकते हैं कि यूक्रेन में जैसे कि वॉर चल रही है, ठीक है, तो वहाँ पे रसिया ने इंफॉर्मेशन जो जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है, बट स्टारलिंक जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है, इंटरनेट सर्विस वहाँ पर रिस्टोर कर दिया है स्टारलिंक ने बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के। वो कैसे कर रहा है, वही सेटेलाइट कम्युनिकेशन जो हमने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि आपके कंट्री में वो जो ग्राउंड स्टेशन है वो आपके यहाँ इंस्टॉल हो, वो जो है ग्राउंड स्टेशन किसी और कंट्री में हो सकता है और वहाँ से आप सेटेलाइट से कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे कि जो ये वाला ग्राउंड स्टेशन होता है ये जरूरी नहीं है कि आपके कंट्री में इस्टेब्लिश हो, ठीक है, ये किसी आउटसाइड यूरोपियन कंट्री में मान लीजिए इंस्टॉल है, जो कि पड़ोसी देश हैं यूक्रेन के, और वहाँ आपका घर यूक्रेन में है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो डिश एंटीना जैसा हमारा टीवी वाला होता है वैसा एक एंटीना चाहिए, स्टार लिंक बोलते हैं उसको, स्टार लिंक टर्मिनल बोलते हैं उसको, वो अगर आप इंस्टॉल कर दें, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी हो, तो फिर आप जो है सेटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए रसिया के पास दो ऑप्शन है, या तो सेटेलाइट को मारे और या तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करे, और तीसरा है कि आपको इंडिविजुअली वो पकड़े कि भाई इनके यहाँ ये स्टार लिंक का टर्मिनल लगा है तो वो टर्मिनल हटाओ, और हर घर जाके इसको हटाना मुश्किल है। उसके अलावा ये जो सेटेलाइट है उसको मारने के लिए फिर ये, या ये जो दूसरे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मारोगे तो वो एस्केलेट हो जाएगा मैटर और ज़्यादा। वैसे ही जैसे कि आपका नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को काफ़ी कंट्रोल किया जाता है, सो उनको भी जो रेगुलेशन होती है, जो इंटरनेट कंपनीज़ पे, लोकल ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे जो रेगुलेशन अप्लाई होता है, वो रेगुलेशन जो है अगर आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं और किसी और कंट्रीज़ में इन्वॉल्व है तो वो जो लोकल लॉज हैं वो उन पे अप्लाई करना मुश्किल होगा। सो चूँकि ये कंट्रोल करना, इस नेटवर्क को कंट्रोल करना मुश्किल है कंट्रीज़ के लिए, सो हम इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइजेशन इसे कह सकते हैं। सो कंट्रीज़ अब ये कर सकती हैं कि वो SpaceX को बोल सकती हैं कि जो आपका ग्राउंड स्टेशन है, ठीक है, वो हमारे सॉइल पे होगा। सो उस तरीके से वो कुछ हद तक SpaceX को अपनी जो लोकल लॉज है उसको फॉलो कराने के लिए कह सकती हैं। बट हम पहले भी देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो ग्राउंड टर्मिनल जो है उसको यूज़ करना ही पड़े SpaceX को, वो आपका सेटेलाइट टू सेटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू उसको बाईपास भी कर सकता है, जैसा कि हम यूक्रेन में देख रहे हैं। तो UPSC मेनली टेक्निकल डिटेल में बहुत नहीं जाती है, वो बेसिकली एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। सो जो आपका ये लो अर्थ ऑर्बिट जो ऑब्जेक्ट, लो अर्थ ऑर्बिट में जो सेटेलाइट है उसका जो, या स्टार लिंक वाले जो प्रोजेक्ट हैं उसका जो एप्लीकेशन कॉमर्शियल, सिविलियन और मिलिट्री एक्टिविटीज़ में हो सकता है हर तरह के,
और हम देख रहे हैं ऑटोनॉमस कार ड्राइविंग जो टेस्ला का बन रही है, मस्क की कंपनी है। उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें हम जो चीज़ें हैं जैसे कि डेली यूजेस के प्लान्स हैं उनको इंटरनेट से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। तो ये अब पॉसिबल है दोनों अर्बन और रूरल एरियाज़ में। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका अच्छा एप्लीकेशन है कि हमने देखा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था टोंगा में, और उसके बाद एक सुनामी आई थी जिससे कि जो आइलैंड का कम्युनिकेशन लिंक था केबल वाला ऑप्टिकल फाइबर केबल वो डिसरप्ट हो गया था। तो मस्क ने वहाँ भी ऑफर किया था स्टारलिंक सेटेलाइट से इंटरनेट कम्युनिकेशन फिर से चालू करने का। फिर वॉर के टाइम में जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया जाता है, जो हमने देखा यूक्रेन में, अभी हमने डिस्कस किया उसको, सो मस्क ने वहाँ भी स्टारलिंक से कम्युनिकेशन रिस्टोर करने का ऑफर दिया है, बल्कि कर भी दिया है। सो एक नेचुरल क्वेश्चन जो हम लोग के माइंड में आ सकता है वो ये है कि क्या सेटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो आपके मोबाइल टावर और ऑप्टिकल फाइबर केबल को रिप्लेस कर देगा? सो अभी प्रेजेंटली जो है ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी सेटेलाइट अभी जो टेक्नोलॉजी का स्टेज है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो मोबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन है, उसके लिए आपको ग्राउंड टर्मिनल चाहिए, ठीक है। और जो अभी टावर वाला काम क्या करता है, टावर आपको वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है जिससे आप मोबाइल हो सकते हैं, ठीक है। आपका मोबाइल जो होता है लोकल टावर से कम्युनिकेट करता है और आप उसको एक रीजन से दूसरे रीजन में जा सकते हैं। बट सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए कि आपके टर्मिनल लिंक जो है डिश एंटीना वो सेटेलाइट को डायरेक्टली देखता रहे, ठीक है, तो ही कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है। सो अगर आपके घर के अराउंड कोई शेड है, बड़ी बिल्डिंग है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है लिंक करने में, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि सेटेलाइट जो स्टारलिंक सेटेलाइट है जो पूरा सिस्टम है वो मोबाइल टावर और इसको रिप्लेस कर देगा, बल्कि वो एक अल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है। जैसे माउंटेनियस रीजन या रिमोट एरियाज जहाँ पे हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी हम इसको आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इन प्रोजेक्ट्स के साथ जो इश्यूज़ हैं वो देख लेते हैं। सो इसमें एक जो मेजर प्रॉब्लम दिख रही है वो क्राउडिंग इन लो अर्थ ऑर्बिट में, बहुत क्राउडिंग हो जाएगी सेटेलाइट्स की। हम देख रहे हैं कि स्टार लिंक अकेले जो मस्क की कंपनी है वो 42,000 सेटेलाइट को उस ऑर्बिट में डालने जा रही है। उसके अलावा वहाँ पे ज़्यादा सेटेलाइट रहेंगी तो सिग्नल इंटरफेरेंस की भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा एक कैसलर सिंड्रोम होता है जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करेंगे तो उसका कैस्केडिंग चेन रिएक्शन होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट फिर कोलाइड करने लग जाएंगे। सो अगर वो सारी सेटेलाइट आपस में कोलाइड करने लगेंगी तो फिर वो बहुत सारा स्पेस डेब्री क्रिएट होगा, और वो स्पेस डेब्री जो है फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हम जानते हैं जहाँ पे हमारे एस्ट्रोनॉमर रुके हुए हैं और माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उससे भी टकरा सकता है, तो हमारे ह्यूमन लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉमर के लिए भी डिफ़िकल्ट रहेगा जो स्पेस ऑब्जेक्ट हैं उनको ऑब्जर्व करने में, क्योंकि ये जो सेटेलाइट हैं ढेर सारे 40,000 से ऊपर जो सेटेलाइट होंगे वो उस सिग्नल से इंटरफेयर करेंगे। उसके अलावा लाइट पोल्यूशन की भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है भाई। जो मैन मेड सेटेलाइट से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती हैं और उसको आप मिस्टेकन कर सकते हो कि किसी हेवनली बॉडी जैसे कि स्टार या किसी प्लैनेट से वो लाइट आ रही है, तो वही लाइट पोल्यूशन है। फिर बिग टेक वर्सेस कंट्रीज़ की जो डिबेट चलती आ रही है, हम देखते हैं गूगल, फेसबुक, अमेजन, ट्विटर, ये जो होते हैं कि लोकल कंट्रीज़ जो होती हैं उनके लॉस को फॉलो नहीं कर रही होती हैं, ठीक है। सो ये राइवलरी हमेशा चल रही होती है। सो हम देख रहे हैं कि न्यूट्रलिटी से अगर देखें तो कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है कि जैसे आप किसी भी बंदे को या किसी कंट्रीज़ के ऊपर आप अपनी जो सर्विसेज है उसको कभी कैसे डिनाई कर रहे हैं, इसका कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है। हमने देखा कि स्विफ्ट, मेटा, स्टारलिंक जो है ये यूज हो रहे हैं एज ए वेपन वॉर। हमने अफगानिस्तान और यूक्रेन में देखा कि दोनों जगहों पे जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको हटाया गया, ठीक है, उन पे अटैक हुआ, लेकिन एक्शन डिफर कर रहा है स्विफ्ट से, मेटा से, स्टारलिंक, ये सब जो हैं यूक्रेन में अपनी सर्विस, या रसिया जो अग्रेसर है उस पर अपनी सर्विस बंद कर रही हैं। बट बाकी जगह पे जहाँ पे डेमोक्रेसी क्षेत्र में आती है जैसे म्यांमार था या अफगानिस्तान था, तो वो डबल स्टैंडर्ड है, तो वहाँ पे ये कंपनीज जो हैं अपना अपना सेम क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर रही हैं। उसके अलावा एक नैरेटिव बिल्डिंग भी देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि वॉर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा होता है। सो अभी हम देखें तो फेसबुक, ट्विटर जो है वो रशियन हैंडल्स को ब्लॉक कर रही हैं, और आज के डेट में हमें रसिया यूक्रेन वॉर में सिर्फ एक ही साइड का नैरेटिव सामने आ रहा है, जो कि मेनली वेस्ट वाले जो नैरेटिव हैं कि कैसे रसिया ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही पर्सपेक्टिव से आ रही है, रसिया का जो वर्जन है वो सामने नहीं आ रहा है।
उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी में भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पे किसी लोकल रीजन में राइड्स हो रहे हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो इंटरनेट एक्सेस ब्लॉक करती है। अभी तो लोकल ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो उनके थ्रू ब्लॉक करना आसान होता है। बट अगर फिर एक इंटरनेशनल कंपनी, अगर मस्क वाली कंपनी, अगर SpaceX वाली आ जाती है, तो फिर उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। सो ये जो सारे प्रॉब्लम हैं कि एक और कंपनी जो बड़ी होती जा रही है, ठीक है, और एक तरह से इंटरनेशनलाइज करने जा रही है इंटरनेट एक्सेस को, जहाँ पे ग्राउंड स्टेशन ज़रूरी नहीं हो कि आपके कंट्री में हो, तो फिर से ये जो प्रॉब्लम है बिग टेक वर्सेस कंट्रीज़ वाली, वो वहाँ भी क्रिएट होने जा रही है। अब ये कुछ प्री में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये प्रोजेक्ट लून पे और ये LTE वर्सेस वॉइस ओवर LTE पे, उसके अलावा LiFi पे क्वेश्चन आया था 2016 में, फिर नियर फील्ड कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके अलावा कुछ थीम्स हैं जो हमें पढ़ना चाहिए स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको मैं बाद में कवर करूँगा। ये सब चीज़ मेरे ब्लॉग पे है, उसको आप, ये मैं अपलोड कर दूँगा, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं।